अभी देखिए ये टाइम ले रहा है थोड़ा, ये देखिए ये मेरा फोन बुक हो गया, ये बहुत ही इजी है, आप एकदम आराम से बुक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, टेक्नो सुबम में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के आंखों के सामने लाइव बुक करके दिखाऊंगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, वो भी MI स्टोर से फ्लैश सेल के दौरान, और साथ में सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप ये फ़ोन फ्लैश सेल में बुक कर सकते हैं MI स्टोर से। तो फ्लैश सेल दोस्तों आपको पता ही होगा कि फ्लैश सेल होता क्या, अगर आप ये फ़ोन बुक करना चाहते हैं तो आप तो ये जानते ही होंगे और आप पहले भी ट्राई कर चुके होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको बता दूँ फ्लैश सेल में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो एक हफ्ते में एक बार प्रोडक्ट आता है सेल में, कुछ टाइम के लिए आता है, कुछ सेकंड में वो सारा प्रोडक्ट बिक के ख़त्म हो जाता है क्योंकि उस पर लाखों लोग एक साथ बुक करने पहुँचते हैं लेना चाहते हैं और उसमें से कुछ ही लोग को वो प्रोडक्ट मिलता है। तो फ्लैश सेल में आप कैसे फ़ोन बुक कर सकते हैं उसका ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं आगे कोई भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आपको बता दूँ, आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स या फिर कोई भी फ़ोन बुक करने के लिए फ्लैश सेल में आपको बस करना होगा एक चीज़, उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड जो होनी चाहिए वो एकदम तगड़ी होनी चाहिए, फास्ट इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ में जितने भी रिसेंट में ऐप रहेंगे आपको सब क्लोज करके सिर्फ वो वेबसाइट या वो ऐप ही ओपन रखना है जिससे आप बुकिंग करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ सारा प्रोसेस कि मैंने कैसे अपना फ़ोन बुक किया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना MI स्टोर ओपन करना है। MI स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे बैनर चलेंगे जिसके सेल रहेंगे, तो यहाँ देखिए नोट 9 प्रो मैक्स का बैनर है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा रहेगा शॉप नाउ, ऐसा पेज खुलेगा, शॉप नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पे हर फ़ोन के अलग अलग वेरियंट और अलग अलग कलर आपके रखे हुए हैं, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, और सब पे नीचे लिखा है 0% क्लेम, मतलब अभी ये सेल पे नहीं आया है। और जब ये सेल पे आ जाएगा तो जो आपको ये ग्रे कलर का बटन दिख रहा है ये आपका हो जाएगा ऑरेंज कलर का, और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन। तो जैसे ये बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तुरंत आपको उस पर क्लिक करना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बाय नाउ का ऑप्शन आने से पहले मतलब 5 सेकेंड पहले से ही आपको उस पर कंटिन्यू लगातार क्लिक करते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है आपको कि बाय नाउ आए तब क्लिक करें, आप 5 सेकंड पहले से ही क्लिक करते रहिए। वही ट्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है, अभी देखिएगा आप जैसे टाइमिंग स्टार्ट होगा मतलब 5 सेकंड बचे रहेंगे मैं इस पर कंटिन्यू क्लिक करता रहता हूँ। अब मुझे ये इंस्टा सेलर ब्लैक 6GB 128GB वाला वेरियंट चाहिए जिसकी प्राइस है 18,500 रुपये, मैं यही फ़ोन बुक किया हूँ जैसा कि आप अभी आप आगे देख सकते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ोन की नेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको रीसेंट में कोई भी ऐप ओपन नहीं रखना है, रीसेंट में सारे ऐप आप क्लियर कर दीजिए जिससे कि वो बैकग्राउंड में डाटा यूज़ ना करे और आपका प्रोसेसर भी फ्री रहे, रैम भी फ्री रहे, इसीलिए दो बहुत ज़रूरी। देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, मैंने तुरंत फटाक से पहले ही क्लिक कर दिया, ये यू आर ऑन योर वे लिखा है। अभी देख रहे हैं आप जैसा कि ये चल रहा है, अभी तुरंत ये दिखाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन मेरा फ़ोन बुक हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर वेट करिए, अभी देखिए ये ऐसे चलते चलते अभी ये बताएगा कि फ़ोन बुक हो गया है। तो बहुत ही इजी तरीका है, अभी देखिए ये टाइम ले रहा है थोड़ा, ये देखिए ये मेरा फ़ोन बुक हो गया, ये बहुत ही इजी है, आप एकदम आराम से बुक कर सकते हैं। ऐसे आपको मिल जाएगा पेज, गो टू कार्ड पे फिर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सा वेरिएंट है, और फिर गो टू कार्ड पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग चल रही है आपके 20-30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, कार्ड में आपका ये फ़ोन 30 मिनट तक रहेगा, अगर 30 मिनट के अंदर आपने इसे चेकआउट नहीं किया तो ये फिर फ़ोन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो 30 मिनट के अंदर आपको इसको चेकआउट करना होता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इस फ़ोन के साथ 3 ऑफ़र भी हैं वो मुझे मिले हैं, 18,500 रुपये प्राइस है, प्रोडक्ट लिमिट 1, यहाँ पे बस आप एक साथ में एक ही फ़ोन बुक कर सकते हैं। साथ में आप अगर लेना चाहते हैं MI का मतलब प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है MI का, साथ में आप MI का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको 899 रुपये मतलब 900 रुपये देने होंगे उसके लिए, तो आपका ये प्लस उस 18,499 में 899 रुपये और प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है, जैसे कि आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मैंने चेकआउट पे क्लिक किया और ये प्लेस ऑर्डर का पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे ऊपर आपका एड्रेस दिया रहेगा, आप यहाँ से एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं अगर दूसरे एड्रेस पर आपको मंगवाना है, नहीं तो आप उसी एड्रेस पर जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है उसी पर मंगवा सकते हैं। और बाकी आपकी ये फ़ोन बता दिखा दिया, कितना पीस है वो दिखाया और प्राइस दिखा दिया,
अब यहाँ पे आपको देखिए प्लेस ऑर्डर करना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, मतलब अलग अलग आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके। देखिए मैंने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया और ये पेमेंट का पेज आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मी पे, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट और कार्डलेस EMI सब है। COD का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। और पेमेंट के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप 15 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाएँ तो आपका फिर ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया तो ये सारा आपका कार्ड नंबर, कार्ड नेम सब मांगता है। तो दोस्तों मैंने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं बल्कि गूगल पे से पेमेंट किया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। गूगल पे से पेमेंट करने के बाद मेरा अच्छे से सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। फिर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ऑल ऑर्डर में जाके मेरा फ़ोन ये बुक हो चुका है। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखिए ऑल ऑर्डर में देखिए सबसे पहले मेरा ये है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ये बुक हो चुका है। अब ये शिपिंग नहीं हुआ, अभी बस ये शिपिंग को बाकी है। बाकी ऐसे मैंने बहुत सारे फ़ोन बुक किए, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं फ्लैश सेल में मैंने बहुत से फ़ोन बुक किए हैं। इसी तरीके से बहुत ईजी है, कोई भी इसको कर सकता है, एकदम आसान है। अब इसकी नेक्स्ट सेल होने वाली है 6 अगस्त को शाम को 4 बजे। इस बार दोस्तों शाम को 4 बजे इसकी सेल है 9 प्रो मैक्स की, और 9 प्रो की सेल है 6 अगस्त को दोपहर में 12 बजे। तो इस बार टाइम में चेंजिंग आया, एक ही दिन में दोनों फ़ोन की सेल है, दोनों का टाइम अलग है। ये देखिए मैंने अपना माई ऑर्डर ओपन किया, फ़ोन पर क्लिक किया तो ये देखिए पूरा उसका डिटेल दिखा रहा है। मैंने अपना एड्रेस और नाम सब हाइड किया हूँ, बाकी आप सारा डिटेल देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, आप भी ये तरीका अपना के ये फ़ोन बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक देख लिए तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सुझाव तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।